गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फोर्थ। जैसे कि हमने पहले पार्ट पढ़ा था, पार्ट दो पछतावा, नाम तो आपको पता ही होगा, हमने पहले वीडियो में पढ़ रखा है। एक बार हम वापस रिवाइज करेंगे इसको, उसके बाद में अगला पेज शुरू करेंगे। इसमें एक किसान है जिसके दो बेटियां हैं। किसान को बेटा ना होने का बहुत दुख था। वह सोचता था बेटियाँ तो दूसरे घर चली जाएगी, उसका वंश आगे कौन बढ़ाएगा। संयोग वंश उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम किसान ने क्या रखा? दुलारा। क्या रखा? दुलारा। दुलारा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, वह सचमुच का दुलारा बन गया। वह कुछ भी मांगता उसको तुरंत मिल जाता। दुलारा विद्यालय जाने लगा। सातवीं कक्षाएं तो उसने किसी तरह से पास कर ली थी, लेकिन उसके बाद उसने घर में ऐलान कर दिया कि मैं आगे पढ़ाई नहीं करूँगा। किसान कहा तो सोचता था मेरा बेटा आगे पढ़ेगा, लिखेगा और अच्छा कमाएगा और अच्छी जॉब करेगा, नौकरी करेगा और अपने घर को आगे बढ़ाएगा। पर किसान का बेटा दुलारा सातवीं तक पढ़ के आठवीं कक्षा में उसने साफ मना कर दिया कि मैं आगे पढ़ाई नहीं करूँगा। उसने सातवीं कक्षा भी जैसे तैसे ही पास करी थी, उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। अब दुलारा स्कूल नहीं जाता था, दोपहर में 12 बजे तक बिस्तर में रहता और माँ नाश्ते के लिए उसके पीछे पीछे घूमती रहती थी। और वह छोटी बहनों को और अपनी बड़ी बहनों को कुछ नहीं समझता था, उनकी पिटाई करता था, उनसे झगड़ा करता था, उनसे लड़ाई करता था। लेकिन माँ दुलारा को डांटती तो वह लड़ झगड़ कर घर से बाहर चला जाता। गली मोहल्ले के बेकार लड़कों के साथ खेलता था। बेकार लड़कों के खेलने के साथ उसके शाम ढलते ही वापस घर भी आता और घर में आकर वापस वही करता था, खाकर पीकर सो जाता या अपनी बहनों के साथ झगड़ा करता था। इसी दिनचर्या के साथ वह बड़ा होने लग गया। उसकी दिनचर्या यही थी कि लेट उठना है, बाहर जाके गली मोहल्ले के बेकार लड़कों के साथ खेलना है, घर में बड़ी बहनों की पिटाई करनी है, छोटी बहनों की पिटाई करनी है, माँ का कहना नहीं मानना है और बदमाशियाँ उसको करनी थी। लेकिन इसी बीच उसकी इस बड़ी बहन की शादी एक अच्छे घर में हो गई। यहाँ तक हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया था। अब अगला हम शुरू करेंगे, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। एक दिन दुलारा हमेशा की तरह अपनी छोटी बहन से झगड़ा कर रहा था। हमेशा की तरह क्या कर रहा था? अपनी छोटी बहन के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा था और उसे बुरी तरह पीट रहा था। पहले तो वह लड़ाई झगड़ा करता था, अब क्या कर रहा था? वो बुरी तरह उसको पीट रहा था। माँ से रहा नहीं गया। माँ को क्या हुआ? गुस्सा आया, उससे रहा नहीं गया। छोटी बहन की पिटाई करते तो माँ से रहा नहीं गया, तो उसने दुलारा को एक थप्पड़ लगा दी। क्या किया? माँ ने दुलारा को एक थप्पड़ लगाई। थप्पड़ खाकर दुलारा बिलबिला गया। दुलारे को गुस्सा आया क्योंकि उसकी माँ ने उसको एक थप्पड़ लगाई थी। उसने पलट कर माँ को बहुत बुरा भला कहा। फिर क्या हुआ? उसको गुस्सा आया और गुस्से में उसने अपनी माँ को बहुत ही बुरा बोला और बहुत ही गलत शब्द बोले थे, तो माँ सहन रह गई। माँ को गुस्सा आ गया, माँ सहन रह गई। माँ को लगा अब मेरा बेटा मेरे सामने भी बोलने लगा है। पहले तो वो बदमाश था, लड़ाई झगड़े करता था और पढ़ाई में रुचि नहीं थी। अब वो क्या करता था? अब माँ के सामने भी बोलने लगा और माँ सहन रह गई। शाम को जब किसान घर आया तो उसे सारी बात पता चली। शाम को जब किसान घर आया तो उसकी पत्नी या उसकी बेटियों ने उनको सारी बात बताई, तो उनको ये पता चला कि उसने अपनी माँ के सामने कुछ बुरा भला कहा है। किसान अपनी पत्नी से बोला, तुम चिंता मत करो। किसान ने क्या बोला? दुलारा की माँ को, तुम चिंता मत करो, मैं इसे खेती के काम में लगा दूंगा। तुम चिंता मत करो, ये खेती के काम करेगा तो ये लड़ाई झगड़ी और सब बंद कर देगा, तो इसे मैं खेती के काम में लगा देता हूँ। वहाँ काम में व्यस्त रहेगा तो लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। किसी भी काम में व्यस्त रहेंगे तो लड़ाई झगड़े का मौका भी नहीं मिलेगा और वो घर में भी नहीं रहेगा, ना बदमाश लड़कों के साथ खेलेगा और ना ही वह लेट उठेगा और लड़ाई झगड़े भी बंद कर देगा और काम में व्यस्त रहेगा। नेक्स्ट पेज 11 नंबर। पत्नी सुबकती हुई बोली, आपके लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। पत्नी ने क्या बोला उसको, किसान को, कि आपके लाड़ प्यार ने ही इसको बिगाड़ दिया है। अब तो वह मेरी एक बात भी नहीं सुनता। अब दुलारा अपनी माँ की तो एक ही बात नहीं सुनता था, पता नहीं आपकी बात भी मानेगा या नहीं मानेगा। किसान को क्या बोला उसकी पत्नी ने, कि आपकी बात भी अब पता नहीं मानेगा या नहीं मानेगा, लेकिन मेरी बात तो एक भी नहीं सुनता। किसान घमंड से बोला, अरे गर्म खून है इसलिए उसको गुस्सा आ गया होगा। तो क्या बोला किसान की पत्नी को, किसान ने घमंड से बोला कि ये गर्म खून है, उसको गुस्सा आ गया होगा, तो ये
मेरी बात तो अवश्य मानेगा। अगले दिन किसान ने सुबह सुबह दुलारा को जगा जगा दिया और बोला, बेटा तैयार हो जाओ। अगले दिन किसान ने क्या बोला, सुबह सुबह जल्दी जगाया उसको और क्या बोला उसको कि बेटा तैयार हो जाओ। किस लिए तैयार होने का बोला था, उसने अपनी पत्नी को बोला था ना कि खेती में काम है इसको लगा दूंगा, इसलिए उसने अपने बेटे को क्या बोला, सुबह सुबह जल्दी उठाने के लिए बोला, जगा दिया और बोला, बेटा तैयार हो जाओ, मैं बूढ़ा हो चला हूँ। अब पिताजी उसके बूढ़े हो चले थे, किसान बूढ़ा हो गया, तो उसने सोचा मेरा बेटी मेरी खेती का काम करेगा, उसमें व्यस्त रहेगा, लड़ाई झगड़े भी नहीं करेगा और कुछ काम भी करेगा, तुम मेरे काम में हाथ बटाओ बंटाओ, ओके, तुम मेरे काम में हाथ बटाओ। सुबह सुबह जगाए जाने पर दुलारे को वैसे ही गुस्सा आ रहा था। अब दुलारा आपको पता है सुबह सुबह लेट उठता था, 12 बजे तक उठता था, तो उसको सुबह सुबह एक तो जगाया, ऊपर से क्या उसको गुस्सा आया, ऊपर से उसे काम के लिए जाने का कहा जा रहा था, तो उसको एक तो जल्दी उठाया, ऊपर से उसको क्या बोला, काम पर जाने के लिए बोला, तो वह भड़क उठा और गुस्से से बोला, पिताजी ये छोटे मोटे काम मैं नहीं करूँगा। तो उसको गुस्सा आया, वह भड़क गया और गुस्से से बोला, पिताजी मैं ये छोटे मोटे काम नहीं करूँगा। उसको खेती का काम छोटा लगता था, उसको लगता था कि ये तो छोटा काम है तो इसको मैं नहीं करूँगा, खेतों में काम करना और करवाला ये तो छोटा काम है। क्या बोला दुलारा किसान को, ये तो छोटा काम है खेतों में काम करना और करवाला। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, एक बार वापस रिपीट करती हूँ मैं। एक दिन दुलारा हमेशा की तरह अपनी बहन के साथ झगड़ा कर रहा था, उसे बुरी तरह पीट रहा था, माँ से रहा नहीं गया और माँ ने उसको एक थप्पड़ लगा दिया। आप भी छोटी बहनों के साथ या बड़े भाई बहनों के साथ झगड़ा करते हो, आपको भी मम्मी डांटती है और ज़्यादा मारपीट करते हो तो मम्मी एक थप्पड़ भी लगाती है, वैसे ही दुलारा को भी उसकी माँ ने एक थप्पड़ लगाई थी। थप्पड़ लगाने के बाद दुलारा बिल भी ला गया, दुलारे को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसका लाड प्यार रख मतलब उसके माँ बाप उसके बहन उसका बहुत लाड रखते थे, उसे प्यार देते थे, लेकिन एक बार क्या हुआ कि उसने अपनी बड़ी बहनों के साथ झगड़ा किया और उसको मारा पीटा, तो उसके माँ को गुस्सा आया और उसको थप्पड़ लगा दी। अब ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करोगे तो मम्मी तो थप्पड़ लगाएगी, और दुलारे को गुस्सा आ गया, उसने पलट कर माँ को बुरा भला कह दिया। अब तुम झगड़ा करोगी, माँ पिटाई करेगी, तुम मम्मी पापा को बुरा भला थोड़ी ना बोलोगे, लेकिन दुलारा ने क्या किया, अपनी माँ को बहुत बुरा भला बोला और माँ सन रह गई। माँ को आश्चर्य हुआ कि मेरा बेटा मेरे को बुरा भला कह रहा है। शाम को किसान आया तो किसान को सारी कहानी पता चली, तो किसान ने गर्व से बोला, मेरा बेटा है, मैं समझाऊंगा तो समझ जाएगा। उसके पत्ते ने बोला, भाई मैं मुझसे तो नहीं समझा, अब आप भी समझा कर देख लीजिए, मेरी बात तो वह नहीं सुनता, अब आपकी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा मुझे नहीं पता। तो उसने बोला, मेरी बात अवश्य मानेगा। किसान ने गर्व से बोला, मेरा बेटा है तो मेरी बात तो अवश्य सुनेगा। लेकिन उसने भी अपने पिता की बात नहीं सुनी, उसको क्या लगता था, पिताजी खेतों का काम करते हैं मतलब छोटा मोटा काम है ये, उसको क्या करना था, उसको शहर जाके अच्छा काम करना था, किसान के छोटे छोटे काम नहीं करने थे। बेटा उसको सुबह सुबह जल्दी उठाया, अब 12 बजे उठने वाला दुलारा सुबह सुबह जल्दी उठाया तो उसको गुस्सा आया, ऊपर से उसको बोल दिया कि खेती के काम में मेरे हाथ बटाना है, क्योंकि वो किसान तो बूढ़ा हो गया था, वो सोचाता था कि उसका बेटा उसका घर चलाए और खेती में कुछ काम करे, पढ़ाई लिखाई तो उसने करी नहीं, तो खेती में काम करके ही अपना वर्ष आगे चलाए। ऐसे सुबह सुबह जगाने के बाद उसको गुस्सा आ गया, उसे उसे काम पर जाने के लिए कहा, वह भड़क गया और गुस्से से बोला, पिताजी ये मैं काम नहीं करूँगा। उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं खेतों के काम तो नहीं करूँगा, खेतों में काम करना ये तो छोटा काम है, ओके। ये आज इतना ही पढ़ा, इसका अगला पेज जो है अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इसका वर्क मैं आपको PDF के जरिए भेज दूँगी, तो पहले मैंने PDF में भेजा था आपको कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और नवीन शब्द, अब मैं आपको कुछ बातों में प्रश्न उत्तर है भेजूंगी। एक बार ऑरल करके बता देती हूँ, किसान के कितने बच्चे थे आपको पता ही है, एक बड़ी बहन थी, एक छोटी बहन थी, एक दुलारा था, 3 बच्चे थे, कितने थे, 3 बच्चे। किसान ने बेटे का क्या नाम रखा था पता ही है आपको, किसान ने अपने बेटे का नाम दुलारा रखा था। दुलारा किस कक्षा तक पढ़ पाया, 7वीं कक्षा तक। 8वीं कक्षा में उसने घर में ऐलान कर दिया, मैं आगे पढ़ाई नहीं करूँगा। माँ ने दुलारा को थप्पड़ क्यों मारा, ये भी आपको पता ही होगा, दुलारा अपनी बड़ी बहन को पीट रहा था और माँ ने दुलारा को थप्पड़ लगा दी। अब बड़ी बहनों के साथ पिटाई लड़ाई झगड़ा करोगी उसको मारोगे तो माँ पिटाई करेगी, उसको भी एक थप्पड़ लगा दी। पैसे समाप्त होने के बाद दुलारा शहर में क्या करने लगा, ये हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन इसका उत्तर मैं बता देती हूँ आपको,
पैसे समाप्त हो जाने के बाद दुलारा शहर में भीख मांगने लगा। अब कौन से शहर गया और उसकी बहन की शादी कौन से घर में हुई और दुलारे ने आगे खेती का काम किया या नहीं किया, उसने अपने पिताजी की बात मानी या नहीं मानी, ये सब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।